नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनू चौहान। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एनबीसी न्यूज 24 में। अब खबरें विस्तार से। रायबरेली में जनपद के डीह थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवासी ग्राम जगतपुर में परदेशपुर की रहने वाली एक महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच कर एक शिकायती पत्र देकर पूर्व ब्लॉक प्रमुख के साथियों ने 18 अप्रैल 2021 को तमचा लाठी कुल्हाड़ी दिखाते हुए जाति सूचक शब्दों के साथ गाली गलौज का आरोप लगाया है। साथ ही महिला ने शिकायत की है कि दबंगों ने घर खाली करने व जान से मारने की भी धमकी दी है। पीड़िता गीता ने पुलिस अधीक्षक रायबरेली को एक लिखित प्रार्थना पत्र देकर दोषियों के विरुद्ध जांच कराकर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की मांग की है। रात को 8 बजे आए वो लोग, दंगा हमको मारे और हमारे बच्चों को मारे पीटे और हमने छोड़ा हुआ के गांव को और भागे। तब उन्होंने राजदेव सिंह के यहाँ कूद गए और वो गांव के लोग पब्लिक जुटी तो उन्होंने निकल गए। वो उसमें अंकित थे, मंजीत सिंह, शिवशंकर सिंह और बब्बुल सिंह। आज हम रायबरेली आए SP थाने। आपकी सुनवाई नहीं होगी तो फिर कहाँ जाएंगे? लखनऊ जाएंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल NBC News 24।